नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलेन एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलएनटी में निकली हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, वहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मैं कल एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम नहीं मिला था, तो आज मैं एलएनटी की वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। एलएनटी में कौन कौन से जॉब ओपनिंग्स हैं और फ्रेशर्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं आपके लिए एलएनटी की जॉब तो लाया ही हूँ, साथ में और भी जो प्राइवेट कंपनीज़ में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है वो भी यहाँ लेकर के आया हूँ। तो उन्हीं में से एक वैकेंसी ये भी है, लुकिंग फॉर बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फ्रेशर और एक साल का एक्सपीरियंस। मतलब फ्रेशर्स और एक साल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई करें, जिनको एक साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी बैंगलोर की। सैलरी पैकेज अराउंड 30 से 35 हज़ार का रहेगा। manohar.g@macwinindia.com ये इनकी मेल आईडी है। यहाँ पे अपना रिज्यूमे कवर लेटर बढ़िया से बना के मेल कर दीजिए। फ्रेशर हैं तो अपना एजुकेशन डाल दीजिएगा, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है आपकी, क्या सैलरी आप चाहते हैं, और रिज्यूमे अच्छा रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली वैकेंसी डिस्कस करते हैं। पहले ये प्राइवेट वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एलएनटी के ऊपर आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है हायरिंग फॉर फ्रेशर मैकेनिकल एंड मैकेनिकल के लिए। ये मैकेनिकल के लिए है। 2022 पास आउट के जो अपने भाई बहन हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी दी हुई है mahalakshmi.k/selgu ग्रुप, बहुत अच्छी ग्रुप है, ऑटोमोबाइल का काम करती है। तो एक बार यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे मेल आईडी दी है, रिज्यूमे आपको मेल करना है। मैंने बहुत बार बताया कि भाई रिज्यूमे अच्छा बनाया करो, रिज्यूमे अच्छा मेल किया करो, ऐसा ना हो कि रिज्यूमे जो है वो बेकार हो आपका। तो रिज्यूमे अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। बाकी अपना रिज्यूमे यहाँ पे मेल कर दोगे तो आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है मॉर्गन एडवांस मटेरियल, एक एमएनसी है, उसमें जॉब वैकेंसी है प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की। एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे 4 से 5 साल का। मैंने कहा बता देता हूँ, अगर आपके कोई दोस्त एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो उनको शेयर कर दीजिएगा। मैन पावर शिफ्ट शेड्यूलिंग का काम है, रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल पैकिंग मटेरियल प्लानिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये सारा काम है, और बीटेक डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, उसमें तो मेल आईडी दी थी, इसका मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। मॉर्गन एडवांस मटेरियल लिमिटेड में साइट इंजीनियर की वैकेंसी है, नोएडा जॉब लोकेशन रहने वाली है। 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नीचे दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल एंड इंश्योरिंग साइट्स आर द सेफ एंड क्लीन, प्रिपेयरिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल एंड टूल्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट मॉर्गन एडवांस मटेरियल में ही है, पोस्ट है आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट्स की, जॉब लोकेशन नोएडा रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 से 6 साल का है। 100% चेकिंग ऑफ ऑल सप्लाइड आइटम्स डायमेंशन एंड क्वांटिटी एज पर ड्राइंग इमीडिएट आफ्टर साइट मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट आपकी हिंदुजा ग्रुप में है। हिंदुजा टेक इज रिक्रूटमेंट फॉर ऑटोमोटिव फोर व्हीलर स्विच एंड सेंसर कंपोनेंट्स, लीड पोजीशन फॉर पुणे। पुणे में जॉब लोकेशन रहने वाली है। नीचे मेल आईडी दे दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं एलएनटी में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एलएनटी में निकली हुई है ब्रिज डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसी। एजुकेशन आपको अगर पूछा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस मांगा है आपका, और यहाँ पे देखा जाए हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर की भी जॉब वैकेंसी है। यहाँ पे जॉब जो है ये वो है, वॉक इन इंटरव्यू है, आपको लोकेशन चेन्नई में वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्लानर की वैकेंसी है और डिटेल डिज़ाइन इंजीनियर की भी वैकेंसी है। ये चारों वैकेंसी है। नीचे देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अपना रिज्यूमे यहाँ पे फ्रेशर लिख के मेल जरूर कर दीजिएगा इनको, जिससे कि ये आपको अपॉइंट कर सकें, आपको ये शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए आपको बुला सकें। बाकी ये जॉब लोकेशन आपकी चेन्नई रहने वाली है। इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो भी चेन्नई है। वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलएनटी इंफ्रा जो इंजीनियरिंग है उन्होंने ऑफिशियल अपना जो अनाउंसमेंट है ये लिंक्डइन पे किया हुआ है। वी एट एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड प्लान टू कंडक्ट ए वॉक इन ड्राइव फॉर बिलो पोजीशन ऑन 29 अप्रैल 2023। ब्रिज डिज़ाइन इंजीनियर, हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर, पोर्ट्स डिटेल डिज़ाइन इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट प्लानर मॉडलर, एज पर मैंशन इन द वॉक इन कैंडिडेट्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट कैन सेंड देयर अपडेटेड सीवी टू दिस रिक्रूट एट द रेट lntiel.com। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं तो अपना रिज्यूमे यहाँ पे मेल कर दीजिए, क्योंकि इनकी हमेशा ओपनिंग चलती रहती है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो अपना रिज्यूमे यहाँ पे मेल कर दीजिए, जिससे कि आपको शॉर्टलिस्ट करें और इंटरव्यू के लिए बुलाएं। ठीक है, और एक चीज़ और कर देना फ्रेंड्स, अपना जो क्वालिफिकेशन है वो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि कौन लोग ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर फिर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।